देखो, मुनव्वर फारूकी ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, इसलिए उसके फॉलोअर को ये बात बड़ी छोटी लगती है। लेकिन जिस धर्म से मुनव्वर फारूकी आता है, अगर उस धर्म का उसने मजाक उड़ाया होता है या जो भी उसके आराध्य है, जिसकी ये लोग जो भी करते हैं, अगर उसका मजाक उड़ाया गया होता तो क्या मुनव्वर फारूकी इस दुनिया में होता? नहीं होता। दोस्तों, एक बार फिर से सोशल मीडिया पर हिंदू मुस्लिम वाली कहानी शुरू हो गई है और इस कहानी में मुझे कुछ खास दम नहीं लग रहा है। दम इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि बिग बॉस जो है वो मुनव्वर फारूकी जीत चुका है और मुनव्वर फारूकी को लोग इसलिए नफरत कर रहे हैं क्योंकि मुनव्वर फारूकी ने माता सीता और प्रभु श्री राम के ऊपर आपत्तिजनक जोक किए थे, जिसके चलते इसे लातों घूसों से पीटा भी गया था, जेल में भी बंद था एक महीने, जिसका ये हकदार था। और हालांकि ये अपने धर्म के बारे में कुछ उल्टा कहता तो शायद अब तक दुनिया में जिंदा भी नहीं होता। ये बात भी पूरी तरह सच है। लोग इस वजह से भी नफरत कर रहे हैं कि और नफरत करने की वजह भी सही है कि भाई ऐसे छबरी लोगों को लोग अपना आइडल मानते हैं, जबकि नीरज चोपड़ा जैसे लोग जो देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाते हैं, उनके लिए कोई क्राउड नहीं होता है। लेकिन एलविश यादव हो गए या फिर मुनव्वर फारूकी जैसे हो गए, एमसी स्टैन जैसे छपरियों के पीछे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के बैठे हैं, जिनसे समाज को कुछ सीख नहीं मिलती है, इन जैसे लोगों को लोग अपना आइडल मानते हैं, तो वाकई में दुनिया बहुत बड़े खतरे में है। आप किसी भी धर्म से हो लेकिन आप देश के लिए पदक जीत कर ला रहे हैं, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, तो आपका सम्मान किया जाना चाहिए, आपके पीछे क्राउड होना चाहिए। लेकिन ऐसे छपरियों के पीछे भीड़ मचाओगे तो कोई मतलब नहीं है। हालांकि बिग बॉस के ऊपर एक आरोप ये भी लग रहा है कि बिग बॉस जो है ये सलमान खान होस्ट करते हैं और बिग बॉस जो है ये मुस्लिम परस्त शो है, यहां पर सिर्फ मुस्लिमों को ही विनर घोषित किया जाता है। हालांकि इस बात से मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि बिग बॉस में अभी लास्ट 2 सीजन में ही मुस्लिम विनर जीते हुए हैं, जिसमें एक एमसी स्टैन, उसका असली नाम मुझे याद नहीं है और मुझे याद भी नहीं करना है, लेकिन है मुस्लिम, और दूसरा मुनव्वर फारूकी। लेकिन इसके पहले भी जितने विनर हैं मैं उनके नाम बताता हूं, जिसमें राहुल रॉय, आशुतोष कौशिक, बिंदु दारा सिंह, श्वेता तिवारी, जूही परमार, उर्वशी ढोलकिया, गौहर खान भी एक मुस्लिम, गौतम गुलाटी, प्रिंस नरूला, मानवीर गुर्जर, शिल्पा शिंदे, दीपिका कक्कर, सिद्धार्थ शुक्ला, रुबीना तिलैक, ये भी वही, तेजस्वी प्रकाश, फिर उसके बाद एलविश यादव ने ओटीटी वाला वर्जन जीता था। तो यहां पर आप देख लीजिए कि मुस्लिम धर्म को छोड़कर भी बाकी लोग जीते हुए हैं। तो यहां पर ये कहना कि सिर्फ बिग बॉस मुस्लिम लोगों का शो है, मुस्लिम होस्ट जो है सलमान खान वो होस्ट करते, इस वजह से मुनव्वर फारूकी को जिताया गया, ये मुस्लिमों का ही शो है, तो ऐसा कहना गलत है। हालांकि मेरी यही राय है कि भाई ये शो जो भी देखते हैं ये छपरियों का काम है, जिनके पास दुनिया में कोई काम धंधा नहीं है, जिनके आइडल ही ऐसे लोग हैं जिनसे कुछ सीख नहीं मिल सकती है, जो गाली गलौज करते हैं, जो दूसरे धर्मों का अपमान करते हैं। देखो, मुनव्वर फारूकी ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, इसलिए उसके फॉलोअर को ये बात बड़ी छोटी लगती है। लेकिन जिस धर्म से मुनव्वर फारूकी आता है, अगर उस धर्म का उसने मजाक उड़ाया होता है या जो भी उसके आराध्य है, जिसकी ये लोग जो भी करते हैं, अगर उसका मजाक उड़ाया गया होता तो क्या मुनव्वर फारूकी इस दुनिया में होता? नहीं होता। क्योंकि बीजेपी के कई जो प्रवक्ता हैं उनको ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं, कन्हैया कुमार का हमने राजस्थान में देख ही लिया। तो ये जो भी समर्थक हैं मुनव्वर फारूकी के, इनको लगता है कि भाई दूसरे के धर्म पे कहा तो बड़ी कॉमन सी बात है, तू मुनव्वर फारूकी से जलता है, तेरी जली पड़ी है। भैया, जली नहीं पड़ी है, बुरा लगता है ऐसे कि छपरी लोग ये जीते कोई बड़ी बात नहीं है, भैया तुम 1 करोड़ जीत के लेके जाओ, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं है किसी के धर्म को टारगेट करके उसे हथियार बनाकर अपनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ना, जैसे मुनव्वर फारूकी को हाथों हाथ लोगों ने लिया हुआ है। नफरत मुनव्वर फारूकी से नहीं है और उसके धर्म से तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसकी जो हरकतें हैं उस चीज से नफरत है। और ऐसे लोगों से जल के क्या मिलेगा? क्या मेरे घर का खाना पानी चला रहा है? नहीं, ना ही तुम्हारे घर का चला रहा है जिसके पीछे तुम सेल्फी लेने के लिए मरे जाते हो। तो ये इनके आइडल है, जैसे इनके आइडल होंगे वैसे ये सोशल मीडिया पर कमेंट सेक्शन में छपरियों जैसी बातें करेंगे, गाली गलौज करेंगे। तो ऐसी उम्मीदें हमें एक्सपेक्टेड होती है।